is Alia Bhatt. You're watching Expose India. Keep watching. Hi, this is Aftab Shirdusani. Keep watching Expose India. रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3011 की फर्स्ट लेडी से बात करता हूं, डॉक्टर ललिता से। रोटरी क्लब में क्या जिम्मेदारी? मेरी जिम्मेदारी बेसिकली अपने हस्बैंड को सपोर्ट करने का है। ही इज़ अ डिस्ट्रिक्ट गवर्नर एंड आई गो विद हिम वेरेवर ही गोस एंड देर आर सर्टेन थिंग्स दैट डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट लेडी को करना है, वो सब हम करते हैं। हम डिस्ट्रिक्ट के जो क्लब्स हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट में 74 के करीब क्लब्स हैं, उनके प्रेसिडेंट्स हैं, उनकी प्रेसिडेंट्स की स्पाउस हैं, उनकी देखभाल, उनके उनको सिखाना, उनको लॉटरी के बारे में बताना, ये सब मेरा काम होता है। आपको लगता है कि आपके सपोर्ट के बिना वो कर नहीं पा रहे? ऐसे कुछ नहीं है, सब अपने अपने जानते हैं, बहुत लोग सीनियर्स भी हैं, सब रोटरी जानते हैं, उन पर रोटेरियंस भी हैं, जैसे मैं खुद रोटेरियन हूँ तो वो सब जानते होंगे। बट लेडी होने का क्या मतलब रोटरी डिस्ट्रिक्ट? डिस्ट्रिक्ट का फर्स्ट लेडी का मतलब यही है कि डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर जो हैं उनकी स्पाउस होंगी और उनके साथ रहना, डिस्ट्रिक्ट के काम के लिए उनकी सपोर्ट करनी है बस। क्या होता है रोटरी में, आप क्या क्या करते हैं? रोटरी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें देर आर अबाउट 5000 डिस्ट्रिक्ट, उसमें से जो है 1.2 मिलियन के करीब लोग हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, ऑलमोस्ट 200 कंट्रीज में है। तो अपने अपने हर जगह पे एक क्लब है, वो सबसे छोटा यूनिट होता है, वहाँ पे काम करते हैं हम लोग। इट बेसिकली आप लोगों को जुड़ के मिलने का, फेलोशिप का प्राइमरी काम होता है। उसके अलावा हमारी फोकस एरियाज होते हैं, या हम पीस बिटवीन कंट्रीज, बिटवीन यू नो स्टेट्स, इसमें इन्वॉल्व करते हैं। इसके अलावा मदर एंड चाइल्ड, हेल्थ एंड सैनिटेशन, वाटर और लिटरेसी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम लोग काफ़ी आजकल सोइंग मशीन्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लोगों को समझाते हैं, सिखाते हैं, टेक्निकल स्किल्स बढ़ाने के लिए हेल्प करते हैं। स्कूल्स में जाके उनके लिए अच्छे स्कूल पेंटिंग करना, बेंचेस करने ठीक करना, और ई लाइब्रेरीज। महिलाएं कितनी हैं इस रोटरी क्लब में लगभग आपको? हर क्लब में ऑलमोस्ट आप स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है, छोटे क्लब्स होते हैं 30-40 लोग होते हैं, बड़े क्लब्स होते हैं 200 लोग के करीब। उसमें वाइफ्स जो हैं रोटरी एंट्स बोलते हैं, जो रोटेरियंस नहीं होते पर वो रोटरी के हस्बैंड के सपोर्ट में आते हैं। तो नोटबंदी पे आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ, पीएम ने एक नोटबंदी का फैसला किया, आपको आप इसको किस नज़रिए से? खुशी नज़रिया से, आई एम हैप्पी कि कुछ काला धंधा कम होने वाला है, ऐसे कह रहे हैं, अगर ये हो गया तो अच्छा है। सहमत हैं पीएम? हाँ जी, आप इस फैसले से सहमत हैं? टू एन एक्सटेंट समझ, आई मीन जो इनकन्वीनियंसेस हो रही हैं उसके साथ मैं समझ नहीं हूँ, बट आई थिंक ओवरऑल अच्छा ही होगा। कुछ तैयारी नहीं हो पाई, बस ये दिक्कत है। आप क्या सहमत हैं? टोटली सहमत। क्यों क्या ऐसा लगता है कि देश में कुछ नया चेंज हो जाएगा इससे? हर कोई चेंज होता है, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर आती है, but it is very difficult to change a mindset. What he is trying to do is to change the mindset of our people, which is a very very difficult task, but we are totally with it. Our country needs a change, we have to go towards globalization, and if it doesn't happen we will not be able to compete. Jitni hamari power hai hum usko strength ko dikha hi nahi sakte, so we are totally with him. To acha ek cheez aur jana chahiye, rotary mein aap kya zimmedari nibhate? See, like Lalita said, she's our first lady. We are supporting our husbands. So my husband would be taking over as the governor next year. So our work is basically to motivate the Rotarians, the ladies who are in Rotary. So we motivate them to come ahead and work for the society. तो जितना हम उनको मोटिवेट करेंगे उतना ही, एंड थ्रू आर एक्सपीरियंस वी शेयर आर एक्सपीरियंस हाउ टू गो अबाउट विद आर प्रोजेक्ट्स। तो हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो उनके लिए इजी हो जाता है समझना कि कैसे अपनी नॉलेज और अपनी एक्सपर्टीज को आप एक पर्टिकुलर फील्ड में डालोगे तो आप उसको चैनलाइज कर सकते हैं। तो मैं देख सकते हैं आपकी जो महिलाएं हैं रोटरी क्लब में वो भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, अपने पति का सहयोग कर रही हैं, और सबसे बड़ी बात कि नोटबंदी को लेकर के ये प्रधानमंत्री मोदी के फैसले को सही बताती हैं। Hi, this is Suraj Pancholi and you're watching Expose India. Hi, this is Vidya Balan and you're watching Expose India. नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, दिस इज विवेक ओबरॉय एंड यू आर वॉचिंग एक्सपोज इंडिया।